17 सितंबर की जो डेट थी, मैंने आप लोगों को मतलब दर्शकों को भी बताया था, आपको भी बताया था कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कुछ खास हमारे लिए आने वाला है। तो फाइनली एक बहुत ही खास चीज आती है। ज्योति आप बताइए क्या आती है? टीजर आता है जिसमें रिवील किया जाता है लोगो। एग्जैक्टली गाइस, और ये लोगो की खास बात आप देखेंगे ना, ये जो है पास्ट में आप जो फिल्म्स आती थी ज्योति, मतलब हमने देखा होगा 90s में, उसमें हिंदी में लिखा रहता था, इंग्लिश में लिखा रहता था और उर्दू में भी लिखा रहता था। और मुझे ना यशराज की यही बात अच्छी लगती है कि टीजर में ठग्स ऑफ, और हाँ इट्स नॉट हिंदुस्तान, इट्स हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को तीन अलग अलग लैंग्वेजेस में दिखाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपको बता दूँ ज्योति, जब मैंने ये टीजर देखा तो है ना, लिटरली आई रियली गेट लाइक ब्लोन अवे बाय द टीजर। मतलब ये जो प्रोमो था, ये जो लुक आया है, ये जो स्टाइल में लिखा हुआ आया है, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी इसकी? मुझे तो जब स्टार्ट होता है तो बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है और ऐसा लगता है कि हॉन्टिंग है थोड़ा, और साथ ही साथ गूज़बम्स आते हैं। और जैसे जैसे एक एक नाम आते हैं, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ, फातिमा, सना शेख, तो सबका नाम रिवील किया जाता है और जो बैकग्राउंड में चलता रहता है ना, इसका जो म्यूजिक दिया है वो अजय अतुल साहब ने दिया है, आपको बता दूं। और बहुत ही ज्यादा एकदम उन्होंने ना, मुझे तो लिटरली गूज़बम्स भी क्रिएट हुए बैकग्राउंड स्कोर को सुन के, और साथ ही साथ मुझे ऐसा एक एडवेंचर टाइप की भी फीलिंग आई कि कुछ एडवेंचर होने वाला है। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में तो हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन क्या आपने एक चीज और ऑब्जर्व की इस टीजर में? जैसे कि एक कह रहा सिक्का जैसा, हाँ, होता है वो बाज बना है उसपे, वो सिक्का ऐसे घूम घूम के हिंदुस्तान का ओ बनता है, और जैसे ही वो उसमें अटैच होता है पीछे एक ईगल भी दिखाई देती जी, है और एक एरो, एक एरो भी आता है, एरो नहीं वो तलवारें होती जी, दो तलवारें ऐसे यू, दो तलवारें वो हिंदुस्तान में होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, एक तो वो सिक्का इसमें अहम किरदार प्ले करेगा, मुझे लग रहा है कि ठगी कल्चर का कोई भी एक ऐसा सिंबल होगा या फिर कुछ एक सीक्रेट निशान होगा, और साथ ही साथ ये जो ईगल दिखाई गई है ये भी कुछ खास कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करने वाली है, या फिर हो सकता है ये जो ठग बने अमिताभ बच्चन और हमारे आमिर खान, ये उसको यूज करते होंगे, हो सकता है इसको, है ना। तुमने टीजर को देख के जब तुमने इतने बता दिया, तो स्टोरी कैसी होगी वो बताओ। एग्जैक्टली आपको बता दूं, इसकी जो स्टोरी है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा की है, जब अंग्रेज लोग हुआ करते थे। अंग्रेज लोग क्या करते थे ना ज्योति, हमारे इंडिया को है ना सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो अपने इनके ऊपर है, पता है आपको, ये जो ब्रिटेन की क्वीन है उनके, हाँ ब्रिटेन की जो क्वीन है उनके ताज में हमारा कोहिनूर हीरा लगाया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा है ना, मतलब जलाने वाली बात है हमारे लिए कि हमारा इंडियन का सारा पैसा, सारा वो सब कुछ लूट के ले गए वो लोग। तो ये जो करते थे ठग्स, क्या करते थे ना कि ये जब शिप्स जाती थी तो ठग्स उन पर आक्रमण करते थे, और उनके है ना गुरिल्ला अटैक होता था बेसिकली, और सब लूटपाट करके और बंदी बना के उनको वहाँ पे बांध देते थे, और लूटपाट करके ना वो वहाँ से चले जाते थे। और इसमें वो बेसिकली क्या है ना, अलग अलग रूप धारण करते थे, मतलब अगर देखा जाए पुराने ज़माने की धूम, जिस तरीके से धूम में जो विलन्स हैं वो अलग अलग गेटअप लेकर आते हैं, ऋतिक रोशन, हाँ ऋतिक रोशन जैसे अलग अलग धूम टू में लेकर आए थे ना, सेम वैसे ही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी ये जो ठग है ये आपके बगल से आपका, मतलब मान लीजिए ये जो आपने झुमका पहना है ये ही उठा के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने ज़्यादा शातिर होते थे। तो उसी की ही कहानी है ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। वेल मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई यार, कब रिवील करेंगे लुक एग्जैक्टली अमिताभ बच्चन जी का, आमिर खान जी का। वेल आपको बता दूं ज्योति कि 17 तारीख को तो हुआ ये, साथ ही साथ दो दिन के गैप में भी कुछ खास होने वाली है चीजें, यानी कि अब हम 19 तारीख को देख सकते हैं, अब हम फिर उसके बाद 19 के बाद 21 तारीख को देख सकते हैं। फाइनली जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 27th को यश चोपड़ा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि YRF के कर्ता धरता है, तो जो एक फुल फ्लेज जो एक ट्रेलर कह सकते हैं वो रिलीज हो सकता है 27th को। और तो और टीजर में ये भी बता दिया गया है कि फिल्म कब रिलीज होगी। एग्जैक्टली 8 नवंबर 2018। आपको बता दो दिवाली के दिन होने वाली थी, 7 तारीख को होने वाली थी, लेकिन 7 तारीख का आई गेस नहीं बैठा होगा, उनको भी लगा होगा कि लोग दिवाली जो मनाएंगे या फिर वो करेंगे, तो इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन लिया है YRF की तरफ से, आई रियली अप्रिशिएट दैट,
क्योंकि हमको पता है ना दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हमारे लिए, तो घर में सेलिब्रेशन भी नहीं हो पाता है. और इनफैक्ट ऑडियंस भी, अगर बात करें ऑडियंस की, तो ऑडियंस भी रियली एंजॉय नहीं कर पाएंगी फिल्म को. और फिल्म को जो बम्पर ओपनिंग पहले दिन मिलने वाली थी, ओपनिंग डे की मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती अगर 7 तारीख को होती. 8 तारीख का किया तो बहुत अच्छा किया. एंड साथ ही साथ टीजर में ये जो लोगो आया है, इसमें आपने देखा एक तोप की सलामी जा रही है बार बार, एक तोप से ऐसे भ्यूम भ्यूम. ये दरअसल वो तोप्स है ना जो थी, जो कि पायरेट्स अपने शिप में यूज़ करते थे. अगर आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखे हैं, अपने जितने भी पार्ट्स आए हैं वो, तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो तोप में जो गोला बारूद भर के, मतलब दूसरे शिप पे अटैक करना था, तो वो भी इसमें दिखाया गया है. तो यहाँ पर एक दो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जो फिल्म के अंदर हमें दिखाई देंगी, इनफैक्ट ट्रेलर में भी दिखाई देंगी. एक तो तोप दिखाई देंगी, वो तलवारें दिखाई देंगी, और वो कुछ सिक्का है या क्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा. लेट्स सी फाइंड आउट क्या होता है. वेल, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जो पहला लुक था, टीजर आया था कह सकते हैं, या प्रोमो या सिंबल रिलीज, लोगो रिवील था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये टीजर, और कितने एक्साइटेड है आप भी रिवील, मतलब जो हमारे आमिर खान है, अमिताभ बच्चन, उनके लुक कैसे होंगे, उसके लिए कितने एक्साइटेड है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर यार, क्योंकि ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, इंडिया की हिंदुस्तान है, सॉरी ये ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है. और इंडिया में इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, वो भी इतने वास्ट स्केल पे बनाना और बनना आई गेस मुश्किल है, और आगे भी मुश्किल ही होगा. राइट, लेट्स सी. आप जल्दी से कमेंट कीजिए. एग्जैक्टली, कमेंट कीजिए. क्यों कीजिए? क्योंकि चैनल है बॉलीवुड स्पाय, जो कि है आपका, आपके लिए और हमारा चैनल. एग्जैक्टली, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग बातें हम लोग आप लोगों से शेयर करते रहेंगे. हमारी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब हम आपको बताते रहेंगे रिलेटेड टू टॉक्स ऑफ हिंदुस्तान. हिंदुस्तान, बाय बाय.